तानिया, तानिया, तुम यहाँ बैठी हुई हो यार? मैं तुम्हें कब से घर में ढूंढ रहा हूँ। बॉस की तरफ डिनर पे जाना है, तुम रेडी नहीं हुई अभी तक। मुझे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है, आप चले जाएं। क्या मतलब मूड नहीं है? तुम्हें पता नहीं बॉस ने हमें स्पेशल इनवाइट किया है। उनकी वाइफ ने बार बार तुम्हारा कहा यार तुम्हें साथ ले जाने को, एंड आई कांट डू दिस, आई हैव टू टेक यू। क्या करूंगी मैं वहां जाकर आरिफ, मजाक बनवा लूं अपना सबके सामने? कैसा मजाक? आपको पता नहीं है कि वहां पे सबकी बीवियां इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के आई हुई होंगी और इतनी कीमती ज्वेलरी, मैं उन सबके बीच में मासी लगूंगी यार, मुझे नहीं जाना। तानिया यार, असल हुस्न तो सादगी में होता है। लोग तो नहीं समझते ना, वो तो यही सोचते हैं कि नई नई शादी हुई है लड़की की और खाली गर्दन उठा के आ गई है। आरिफ, एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए ना मेरे पास पहनने के लिए, कुछ भी नहीं है मेरे पास। शादी पे तुम्हें सेट भी तो दिया था ना, वही पहन लो। वो दो तोले की छोटी सी चेन, वो तो मैं कभी ना पहन। हाँ मतलब चले, शादी पे तो आप लोगों ने अपनी और हमारी इज्जत बचा ली थी वो नकली सी ज्वेलरी चढ़ा के। ये बात को किस तरफ लेके जा रही हो तुम तानिया? आप खुद चले जाएं, मुझे फोर्स मत करें वरना बात मजीद बढ़ सकती है। यार तानिया, तुम अब ये ज्यादती कर रही हो। मैं कोई ज्यादती नहीं कर रही हूँ आरिफ, प्लीज। यार तानिया, मेरे बहुत से कलीग्स हैं जो शादी पे नहीं आ सके, दे वांट टू सी यू, दे वांट टू मीट यू। अब मैं उन्हें क्या कहूँ कि एन मौके पे मेरी बीवी ने मुझे डिश कर दिया? वी आर न्यूली मैरिड कपल यार, यू हैव टू गो। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे भी इसी चीज की टेंशन है, लोग क्या कहेंगे, हमारी नई नई शादी हुई है। चले कपड़े तो मैं हमारी शादी वाले पहन लूंगी, लेकिन एटलीस्ट हार तो कुछ अच्छा होना चाहिए ना, आप समझे मेरी बात को। यानी एक हार की वजह से तुम डिनर भी कैंसिल कर दोगी और मेरी बेइज्जती भी करवा दोगी? मेरी खाली गर्दन की वजह से ना आपकी ज्यादा बेइज्जती होगी, सब कहेंगे नई नई शादी हुई और खाली गर्दन लेके आ गई। ओके फाइन, अगर तुम नहीं जाओगी तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, अगर बॉस नाराज होते हैं तो हो जाए, लेकिन एक बात याद रखना, तुम इस दफा ना बात मेरी नौकरी पे भी आ सकती है, समझ आई? अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ तो तुम्हें क्या परवाह है? परवाह है तो फिर चलो मेरे साथ। अच्छा लिसन, हम एक काम करते हैं। क्या? मेरी कजन है सुमैरा, मैं उससे ज्वेलरी ले लेती हूँ एक दिन के लिए, फंक्शन में पहन लूंगी और कल वापस कर दूंगी ना। अच्छा नहीं लगेगा यार तानिया। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? बहनों जैसी है मेरी और हम लोग शादी से पहले एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज करते रहे हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं अभी उसको फोन करती हूँ। मगर तानिया, अगर मगर छोड़े, मैं उसे अभी फोन करती हूँ, रास्ते से ज्वेलरी पकड़ते हुए चले जाएंगे। अजीब सा लगेगा तानिया। कुछ अजीब नहीं लगेगा, मैं अभी उसको फोन। हाँ हेलो, कैसी हो सुमैरा? मैंने कहा भी था मैंने कि अपना जेवर पहन जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी कजन का पहनना था, अब देख लो घुमा दिया ना, क्या बोलेंगे उसको अब? क्या मतलब है आपका, कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसे बोले जैसे मैंने जानबूझ के घुमाया है। यार सारे फंक्शन में मेरा ध्यान सिर्फ नेकलेस पे ही था, पता नहीं एकदम से कहां गिर गया, किधर चला गया। तो अब करेंगे क्या, नेकलेस तो घूम गया ना। क्या करेंगे अब? ओह शिट, आरिफ सुमैरा की कॉल आ रही है, सुमैरा की कॉल आ रही है, मैं क्या बोलूंगी उसको? कॉल तो उठानी पड़ेगी तुम्हें, इग्नोर नहीं कर सकते उसको। लेकिन मैं बोलूंगी क्या? आई डोंट नो मैन। हेलो, हाँ फिर कैसा रहा तुम्हारा फंक्शन? सब तुम्हारे नेकलेस की ही तारीफ कर रहे होंगे। हाँ फंक्शन बहुत अच्छा था, सबने बहुत तारीफ की। तारीफें क्यों ना करते, वो कोई आम नेकलेस नहीं है, मेरे ससुराल वालों ने मुझे शादी पे दिया था। हाँ सुमैरा, वो यार एक मसला हो गया है। मसला? कैसा मसला? यार वो आरिफ की जो खाला है ना, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, हमें अर्जेंट कल ना हैदराबाद जाना पड़ेगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं तुम्हारा नेकलेस आके वापस कर दूं? तो सीधी तरह कहो ना कि अपने ससुरालियों के सामने भी शो मारनी है। नहीं ऐसी बात नहीं है सुमैरा,
बस करो, तुम्हें मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। अच्छा ठीक है, ले जाओ, लेकिन वापस जल्दी आ जाना, आप ज्यादा दिन ना लगा देना। हाँ तुम फिक्र नहीं करो, हम जल्दी आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, सुबह बात होती है। ओके बाय। ये क्या था, हैदराबाद वाली क्या स्टोरी डाली है तुमने उसको? तो फिर क्या बोलती मैं उसको, एटलीस्ट 2-3 दिन की मोहलत तो मिल गई ना, उसमें हम सोच लेंगे कि हमें क्या करना है। हल क्या निकलेगा तानिया, जाहिर है उसको तो नेकलेस वापस देना पड़ेगा ना। अच्छी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी इतनी छोटी सी बेवकूफी की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब रोने से तो कुछ नहीं होगा ना तानिया, जो होना था वो तो हो गया, बस अब ये सोचना है कि हम इसका असाला किस तरह करेंगे। ये सारी मेरी गलती है, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए मैं तो कौड़ी की भी नहीं रही। I'm sorry, मुझे ऐसे नहीं कहते तानिया, तुम अब भी मेरे लिए अनमोल हो। ये नुकसान बस हमारे नसीब में लिखा हुआ था, इसलिए हो गया। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं सच में बहुत बुरी हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मुझे नहीं लेना चाहिए था। Come on, तानिया, तुम बार बार खुद को कसूरवार ठहरा कर मुझे भी शर्मिंदा कर रही हो। चलो रोना बंद करो, तुम्हारे मोबाइल में जो आज की पिक्स हैं वो मुझे सेंड करो। वो पिक्चर्स ज्वेलर को दिखा के उस तरह का हार भी तो बनवाना है ना मैंने। हाँ, लेकिन वो तो बहुत महंगा बनेगा ना, वो तो बहुत कीमती था आरिफ। तुम्हारे इन आंसुओं से ज्यादा कीमती तो नहीं होगा ना। कम है। बेफिक्र हो जाओ, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लुक एट मी, आई एम सॉरी। रोना नहीं, रोना नहीं। क्या हुआ, क्या बोला सुनार ने? सांस तो लेने दो यार, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो यार, बैठो बैठो बैठो। हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। क्या तानिया, पूरे 35 लाख का सेट बनेगा यार, 35 लाख रुपीस सुनार ने कहा है। साहिर है, महंगा तो होगा ही, उसके ससुरालियों ने जो डाला था। वैसे तो सुनार कह रहे थे कि 4 दिन में नेकलेस रेडी कर देगा, लेकिन हम इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी कैसे अरेंज करेंगे आरिफ? वो मैंने सोच लिया। क्या? काश अगर कराए का नहीं हमारा अपना होता तो बाकी कुछ ना करना पड़ता, इसी को गिरवी रख के कर लेते। लेकिन अब गाड़ी भी बेचनी पड़ेगी, ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, पठान चाचा से उधार भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास रेडीमेड इतने नहीं पड़े हुए इस पर। कितनी अजियत में डाल दिया है मैंने आपको, I'm sorry। एक बात कहूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी कोई जॉब कर लूँ। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरी गलती की सजा आप अकेले क्यों भुगते? इस तरह तो सारा बर्डन आप पर पड़ जाएगा, अकेले आप क्या क्या करेंगे? सारी सैलरी किराए और कर्जे देने में निकल जाएगी, तो फिर घर का निजाम किस तरह चलेगा आरिफ? खैर तानिया, अल्लाह मालिक है, हो जाएगा कुछ ना कुछ। अच्छा मियां बीवी जब एक दूसरे की खुशियां साथ बांट सकते हैं तो क्या दुख नहीं बांट सकते? लेकिन तानिया, प्लीज आरिफ, जहां आपने कल मेरी नाजायज ख्वाहिश मान ली थी, वहां पे एक छोटी सी जायज ख्वाहिश भी मान ले। ठीक है। चलो अच्छा है, तुम्हारी कजन का नेकलेस वापस कर दिया हमने।
हाँ, लेकिन उसकी अच्छी खासी कीमत अदा करनी पड़ी है हमें। कीमत अगर ख्वाहिशों की देनी पड़े तो बंदा अदा भी करते, लेकिन इस ख्वाहिश ने तो पूरी कुर्बानी मांग ली। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कभी कभी काम करके बहुत थक जाता हूँ मैं तानिया। सेम हियर, मैं भी बहुत थक जाती हूँ, और मेरी मैम वो तो इतनी ज्यादा सख्त हैं कि एक मिनट भी आराम नहीं करने देती मुझे। शादी से पहले कितने ख्वाब सजाए थे हमने कि ये करेंगे वो करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन अब सब खत्म हो गया यार। ठीक कह रहे हैं, मशीन बन के रह गए हम दोनों। सारा दिन आप काम पर होते हैं और मैं अपनी जॉब पर। जब घर आते हैं तो इतने ज्यादा थके हुए होते हैं दोनों के हमारे पास कुछ बात भी नहीं होती करने के लिए। एक अजीब सा खला आ गया हम दोनों में, और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। सिर्फ मैं। तुम कितनी बार कहे खुद को कोसा मत करो तानिया, कोसने से कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I really love you and I can't see you hurting yourself like this. I love you. मैं प्यार करता हूँ तुमसे, और वैसे भी अब मेरा आधा बोझ तो तुमने बांट ही लिया है, तो why blaming yourself? अच्छा, I'm sorry. बोझ डाला भी तो मैंने ही था ना आप पर। फिर वही बात। Sorry. ये क्या कर रहे हैं आप? जहां हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं तानिया, वहां हमें ये कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। मैं समझी नहीं। जब तक हम सारा कर्ज और सूद उतार नहीं देते, हम माँ बाप बनने के बारे में सोचेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो तानिया, हमारे पास एक दूसरे को देने के लिए भी वक्त नहीं है। सारा सारा दिन हम ऑफिस में होते हैं, हम कमाने की कोशिश करते हैं, हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे सकते, हम बच्चे को वक्त कैसे देंगे? और इस कर्जे और सूद के चक्कर में हम अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे, तो हम अपने बच्चे की जरूरतें कैसी पूरी करेंगे? मुझे माफ कर दो तानिया, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ेगा। एक बार कर्ज और सूद खत्म हो जाए, फिर हम इस सब के बारे में सोचेंगे। अपने बच्चों को भरपूर आसाइशें देंगे, उन्हें बहुत खुश रखेंगे, लेकिन इट्स नॉट द राइट टाइम तानिया।
तानिया ये तुम हो? ये क्या हालत बनाई हुई है? तुम तो एकदम टिप टॉप रहती थी, फिर ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, तुम छोड़ो ना ये बातें। ये बताओ कि लंदन से कब वापस आई? मैं तो लास्ट वीक ही आई हूँ। अम्मी से तुम्हारा पूछा तो उन्होंने बताया कि तुमने अजीज़ और कारिब से मिलना ही छोड़ दिया, नंबर भी चेंज कर लिया। तुमसे कोई रब्ता नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा मैं खुद ही चली आऊँ। अच्छा आओ अंदर चलो। बैठो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। सुमैरा हमसे मिलने आई है। सुमैरा आप तो लंदन गई हुई थी ना? लंदन गई थी, इस दुनिया से नहीं, जो कि आप दोनों ने तो मुझसे रब्ता ही तोड़ दिया। अरे नहीं नहीं सुमैरा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वक्त और हालात ने इतना ज्यादा मसरूफ कर दिया कि वो तो तुम दोनों को देख के ही लग रहा है। हालत देखो अपनी, अपनी एज से बड़े लग रहे हो। क्या कर क्या लिया तुम लोगों ने अपने साथ? वो दरअसल कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था हम पे, सो तो मुझे बता देते, मैं कुछ हेल्प कर देती। सुमैरा वैसे बुरा ना मानो तो ये हालात भी कुछ तुम्हारी वजह से हुए। मेरी वजह से क्या मतलब, मैं समझी नहीं। रहने दो तानिया, पुरानी बात। नहीं आरिफ, आज मुझे कह लेने दें। सुमैरा तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक नेकलेस लिया था पहनने के लिए? हाँ मगर वो तो तुमने मुझे वापस भी कर दिया था। जो तुम्हें वापस किया था वो तुम्हारा नेकलेस नहीं था, क्योंकि तुम्हारा नेकलेस मुझसे गुम हो गया था। मगर तानिया वो तो हूबहू वैसे ही था। असल में सुमैरा हमने अपने सुनार को 35 लाख देकर वो नेकलेस बनवाया था। क्या 35 लाख? एक बार मुझसे तो पूछ लेते तुम दोनों। तुम कौन सा पैसे माफ कर देती? लेकिन तानिया वो नेकलेस 35 लाख नहीं, सिर्फ 3500 का था। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ मैं सच कह रही हूँ, वो नेकलेस तो नकली था। मैंने तो ऐसे तानिया के सामने शो मारने के लिए कह दिया था। ये क्या कह रही हैं आप? कहाँ है वो नेकलेस अब? पुराना हो गया था तो मैंने कचरे के डब्बे में डाल दिया, अब तो किसी कूड़ेदान में पड़ा हुआ होगा। वो नेकलेस जिसने हमसे हमारी खुशियां छीन ली, हमारी ख्वाहिशात छीन ली, हमसे हमारी रातों की नींदें छीन ली, हमारा सुकून, हमारी मोहब्बत, प्यार, सब कुछ छीन लिया, कचरे के ढेर में पड़ा है और वो नकली था। संभालो खुद को, हो गया जो सूख।